हमें जानकारी है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो घंटा भी जरूर बजाना चाहिए हम। हमारे बीच से जी डी अग्रवाल जी है, स्वामी सदानंद। हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते। बीइंग अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, मैं सम्मान करती हूँ उनका, और एक कविता उनके लिए ट्रिब्यूट है। मैं गंगा हूँ, मैं पतित पावनी हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं ही भगीरथी, मैं ही हिमांगिनी, मैं ही तरंगिनी, मैं ही उत्तरवाहिनी हूँ। सदियों से अविचल हूँ मैं, सबको समेटा है बाहें फैलाई हुई, सबको दिया है आश्रय हुई। महामुनियों ऋषि जनों की तप स्थली हूँ मैं, थके हारे पतिकों की विश्राम स्थली हूँ मैं। जब तब यज्ञ हवन की सुगमय स्थली हूँ मैं। पाप पुण्य यश लाभ हानि की प्रत्यक्ष दर्शनी हूँ मैं। जब मरण से मुक्त कराने वाली मोक्ष दायिनी हूँ मैं। पर आज ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं हूँ एक कूड़े घर से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज लगता है जैसे अपने ही घर में तिरस्कृत अपेक्षित हूँ मैं। ये जो सारी बातें अभी तक सुन रहे थे ना, मुझे ऐसा लगता है ये सब बेकार की बातें। अपनी विवशता, मानव की क्रूरता पर विचलित उद्वेलित हूँ मैं। आज मैं हूँ एक कूड़े घर से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज मैं हूँ एक राजनैतिक वायदे से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज मैं हूँ एक फूट वृक्ष से ज्यादा कुछ भी नहीं। आज मैं हूँ अखबारों के कोने में छपी हुई एक छोटी खबर से ज्यादा कुछ भी नहीं। देखकर ये सब अमीर प्यासों रहते हैं। अनगिनत प्रश्न हृदय में शूल समान चुपते हैं। अब तो यूं लगता है, अब तो मुझे भी यूं ही लगता है, व्यर्थ ही धरा पर मुझे लाए थे भगीरथ। व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर ने दिया था मुझे इतना महत्व। व्यर्थ ही महामोक्षदायिनी महा औषधि बनी थी मैं। व्यर्थ ही पतित पावनी कहते थे मुझे गुरुजन। सुनो अपने ही पुत्र की मृत्यु, सुनो अपने ही पुत्र की मृत्यु, नहीं ठहरो, हत्या, हाँ हत्या ही कथी हो। बेबस निशब्द मौन हूँ मैं, आधुनिक भगीरथ की शहादत पर शर्म से नत मस्तक हूँ मैं। मगर सुनो ऐ मेरे पुत्रों, मगर सुनो ऐ मेरे पुत्रों, अब बस भी करो मेरे स्वाभिमान पे यूं दर्श ना भरो, मेरे स्नेह से हृदय में यूं विष ना भरो कि करने को महाविनाश हृदय में ज्वार बढ़ते हैं, आक्रोश से रक्त रंजन के नेत्र अप्स लगते हैं, घृणा के ज्वालामुखी पल पल इस हृदय में धड़कते हैं। मगर मैं बस खामोश हो जाती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे याद है मैं माँ, मैं गंगा, मैं बस चुप हूँ कि मैं बधी हूँ स्नेह प्रतीक कैसे। मैं बस चुप हूँ क्योंकि मैं बधी हूँ स्नेह प्रतीक कैसे। कि मैं नहीं चाहती विध्वंसक विनाश अपनी ही सहमति से। मैं गंगा, मैं माँ।
जो इश्क़ का पता चला तो हम तुम भी ना होते इस जमाने में।